हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। ज्योग्राफी के अपने इस लेक्चर में आज हम देखेंगे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स और टाइड्स के बारे में, और ये साथ ही हमारा यूनिवर्स और सोलर सिस्टम का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को एंड तक देखें। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, हमने फेजेस ऑफ मून देखे थे, जिसमें हमने फुल मून, न्यू मून इनके बारे में देखा था। तो आज हम देखेंगे कि मून, अर्थ और सन इनके एक साथ आने पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं अर्थ पे, ठीक है, या इनके एक साथ आने पे क्या क्या क्रियाएं होती हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए, लूनर फेजेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इक्लिप्स और टाइड्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सेलेस्टियल मोशंस हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, अर्थ की मोशंस उसके बारे में हम कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं ग्रहण या इक्लिप्स क्या होता है। देखिए, किसी एक चीज़ की छाया अगर किसी दूसरे चीज़ को उस पर पड़े और उसे ढक ले और देखने वाला उसे ना देख पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रहण या इक्लिप्स। तो कुछ ऐसा ही होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय। अगर सूर्य ग्रहण है तो मतलब क्या है कि हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे, और ये कब होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। इसी तरीके से अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और हम चंद्रमा को पूरी तरह से या फिर पार्शली देख सकते हैं, नहीं हम या तो उसे पार्शली देखेंगे या तो पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे चंद्र ग्रहण। अब ये तभी होते हैं जब ये बिल्कुल एक सीध में हो, ठीक है। अब ये कंडीशन हमेशा क्यों नहीं होती है, आइए हम इसके बारे में समझते हैं। पहले देखिए, ये है अर्थ का ऑर्बिट हमारे, जो कि एलिप्टिकल है, हम जानते हैं। उसी तरीके से अर्थ के अराउंड मून का ऑर्बिट जो है वो भी एलिप्टिकल है, मीन्स के कहीं पे उसकी डिस्टेंस कम है और कहीं अर्थ की डिस्टेंस मून से कम है और कहीं ज़्यादा है। प्लस इसके साथ ही जो इसका ऑर्बिट है वो एकदम 180 डिग्री ऐसे सीधा ना होकर के कुछ इंक्लाइन है। अगर हम एक सीधी लाइन से बात करें तो ये कुछ तिरछा है, ऐसे इंक्लाइन है, यानी झुका हुआ सा है। तो इसका इससे क्या होता है, कभी ये सन और अर्थ के सीध में होता है और कभी नहीं होता है। जैसे कि इस केस में आप देखिए, यहाँ पे मून ऊपर दिख रहा है और यहाँ मून नीचे दिख रहा है, ठीक है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पे मून की ऑर्बिट है वो इंक्लाइंड है। अगर हमारा मून इस पोजीशन में होगा तो ये इतना नीचे है कि सन की लाइट पड़ेगी और उसकी जो मून की जो छाया है वो अर्थ पे ना पड़ के अलग ही जाएगी। तो इसका मतलब ऐसे केस में कोई भी सोलर इक्लिप्स नहीं होगा। और अगर वहीं दूसरे केस में देखिए कि जब मून बहुत हाई है, क्यों, क्योंकि ये इसका ऑर्बिट इंक्लाइन है, तो अगर मून बहुत हाई पोजीशन पे है तो उस समय भी मून अर्थ की जो छाया है वो मून पे नहीं पड़ेगी और लूनर इक्लिप्स नहीं हो पाएगा। और सेम यही कंडीशंस यहाँ पर भी दिखाई गई हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम नोड्स की बात करें जो कि कंडीशन, देखिए ये पूरा अर्थ का एक ऑर्बिट है और ये कितना टाइम होता है, 365 डेज में अर्थ पूरा एक चक्कर लगाती है, जबकि जो हमारा मून है वो अर्थ का कितना, 27 डेज में एक चक्कर लगा लेता है। तो कुछ ऐसे केस बनते हैं कि एक साल में लगभग 13 बार ही आमने सामने तीनों एक सीध में आते हैं, लेकिन हर बार तो ना सूर्य ग्रहण होता है और ना ही चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो वो कुछ खास केसेस इसीलिए होते हैं क्योंकि अगर मून का ऑर्बिट अगर झुका हुआ ना होता तो ये हर बार एक सीध में आते, क्योंकि मून का ऑर्बिट झुका हुआ है इसलिए हर बार सीध में नहीं आ पाते हैं। ये सिर्फ नोड्स के टाइम पे, ऐसा लगभग साल में दो बार होता है, तो ये इसी टाइम पर एक सीध में आते हैं। और उस टाइम क्या होता है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सोलर इक्लिप्स, और अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो लूनर इक्लिप्स, ठीक है। आइए हम सोलर इक्लिप्स के टाइप समझ लेते हैं कि सोलर इक्लिप्स तीन टाइप्स का होता है अलग अलग। देखिए, पहला है टोटल इक्लिप्स। टोटल इक्लिप्स में क्या है कि जब मून का
मून का जो मून की जो छाया है वो पृथ्वी के किसी एक हिस्से पर इस तरह से पड़ती है कि वो सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेती है, तो हम उसके इसको कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, ये पूरी पृथ्वी पर नहीं होगी, पृथ्वी के किसी एक हिस्से पर पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेगी, तो हम उसे बोलेंगे टोटल इक्लिप्स। ठीक है, और बाकी जगह अदरवाइज हमें बाकी जगह में पार्शियल ही दिखेगा, लेकिन किसी एक जगह पर भी हमें अगर पूरा दिख रहा है तो हम उसे टोटल इक्लिप्स ही बोलेंगे। इसी तरीके से इस केस में क्या होता है कि हमें सन की केवल कोरोना और फोटोस्फेयर सॉरी क्रोमोस्फेयर लेयर दिखती है, जो हमने सन वाले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, और दूसरा केस होता है एनुलर इक्लिप्स का, जो कि अभी आने वाले 21 जून को यही वाला सोलर इक्लिप्स होने वाला है। इस केस में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर ऐसे पड़ता है कि चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर इस तरह से पड़ेगी कि वो उसको पूरी तरह से ढकता तो है, लेकिन पृथ्वी से दूर होने के कारण वो इस तरीके से हो जाता है कि चंद्रमा के चारों ओर हमें सूर्य की एक रिंग दिखाई देती है, एक चौड़ी सी रिंग दिखाई देती है। तो इस केस में ये कम्प्लीटली इसको कवर नहीं कर पाता है, चारों ओर कुछ जगह छूट जाती है। वो क्यों? क्योंकि इस केस में ये पृथ्वी से चंद्रमा थोड़ा दूर है, और जबकि टोटल इक्लिप्स के केस में चंद्रमा पृथ्वी के थोड़ा नज़दीक है। ठीक है, और तीसरा केस होता है पार्शियल इक्लिप्स का, जिसमें कि चंद्रमा की छाया जो है वो चंद्रमा जो है वो सूर्य को पार्शली ढक पाता है, पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, पार्शली ढकता है, तो हम इसे बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स। ओके, अब इन तीनों की अगर हम इमेजेस देखें तो कुछ ऐसे, टोटल इक्लिप्स के टाइम पे ये कम्प्लीटली मून ने सूर्य को कवर कर लिया है, जबकि एनुलर के केस में एक रिंग सी बाहर हमें दिख रही है। और वो क्यों है? क्योंकि इस समय जो मून है वो हमसे दूर है, हमारे पृथ्वी से दूर है, और ये वाला केस ही होने वाला है 21 जून को, जो कि हमें विजिबल होगा इंडिया में, राजस्थान और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों से हमें ये दिखेगा। ठीक है, ऐसा। और इस केस में भी ये होता है कि हमें बाकी जगहों पे तो ज़रूर पार्शियल सोलर इक्लिप्स ही दिखेगा, लेकिन किसी एक जगह पर भी अगर हमें ऐसा दिख रहा है या ऐसा दिख रहा है तो हम इसे यही बोलेंगे, अगर ऐसा दिख रहा है तो टोटल सोलर इक्लिप्स बोलेंगे, और अगर किसी एक जगह पर हमें ऐसा दिखने वाला है तो हम इसे बोलेंगे एनुलर सोलर इक्लिप्स। जबकि पार्शियल में क्या होता है, ये सिर्फ हमें पार्शली दिख करके और उसके बाद ये दिखना मतलब बंद हो जाएगा, बस हमें ये सन को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा इस केस में। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि मून का जो ऑर्बिट है अर्थ के अराउंड वो इंक्लाइंड है। ओके, अब इसी तरीके से हम लूनर इक्लिप्स को भी समझ लेते हैं, इसके भी तीन टाइप्स को समझते हैं। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जब रेड मून होता है इसी केस में रेड मून बनता है। ठीक है, टोटल लूनर इक्लिप्स के टाइम पे तो इसमें क्या होता है, अर्थ की कंप्लीट जो छाया है वो इस पर पड़ेगी मून पर, और वो मून को ढक लेगी, और सिर्फ हमें एक रेड सी लाइट मून पे दिखेगी, तो इसको हम बोलते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स, या फिर रेड मून भी बोलते हैं इसे ही हम। दूसरा केस होता है पार्शियल का, जैसे सन के केस में था वैसे ही मून के केस में, यहाँ पर अर्थ की जो डार्कनेस है वो इसको पार्शली ढकेगी, तो हमें पार्शियल लूनर इक्लिप्स दिखेगा। अब तीसरा केस देखते हैं पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स का, इसमें क्या है कि इसमें जो अर्थ की जो सॉलिड जो छाया पड़ने वाली है उससे हटकर ये पेनम्ब्रा के इफ़ेक्ट में आ जाता है अर्थ के, मतलब कि अर्थ की हल्की सी डार्कनेस इस पर पड़ेगी, मतलब सन का कंप्लीट लाइट भी इस पर नहीं पड़ पाएगी और अर्थ की कंप्लीट डार्कनेस भी मून पर नहीं पड़ेगी, तो इसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। ओके, ये तीनों की इमेजेस हैं, टोटल के केस में रेड सा दिखता है मून, पार्शियल के केस में आधा सा दिखता है, और पेनम्ब्रल के केस में बहुत ही लाइट सा दिखेगा। अब आते हैं दूसरे अपने टाइप पे, कि वो है टाइड्स का। ठीक है, मतलब कि जब सन मून और अर्थ के जो अट्रैक्शंस की वजह से हमें दिखता है वो होता है टाइड। देखिए क्या होता है कि सी के सरफेस पे सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से ऊंची ऊंची से जो लहरें उठती हैं हम उन्हें ही बोलते हैं टाइड्स, और ये
कई जगह तो ये 15 से 16 मीटर तक ऊंची हो जाती हैं, ठीक है। और ये होता क्यों है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन, इन्हें ही हम बोलते हैं टाइड्स। और ये अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, जैसे कि वैसे तो ये जनरली हर दिन हमें लहरें तो दिखाई देती ही हैं, और वो इसी वजह से होती हैं, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही। लेकिन कुछ खास केसेस होते हैं जबकि सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाए तो हम उन्हें बोलेंगे स्प्रिंग टाइड्स। और अगर वो एक परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर पोजीशन में आ जाए तो हम उन्हें बोलेंगे नीक टाइड्स। इन्हें हम इमेज से समझते हैं। देखिए स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि अगर मून और सन दोनों एक सीध में आ गए तो दोनों ही अपने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, पुल ग्रेविटेशन की वजह से पुल करेंगे, तो अर्थ का जो सी का जो वाटर लेवल है यहाँ पे वो इसकी तरफ खींचेगा और यहाँ पे हमें हाई टाइड्स देखने को मिलेंगे। अब ऑपोजिट साइड में क्या होगा कि इसको बैलेंस करने के लिए, वैसे तो हमारी अर्थ क्या है, अंदर की साइड अपना फोर्स लगाती है जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको आप इससे समझिए कि अगर हम किसी रस्सी के चारों ओर, किसी पोल के चारों ओर घूम रहे हों तो वो पोल अंदर की ओर खींचता है हमें, लेकिन अगर हम हाथ छोड़ दें अचानक से तो वो हमें बाहर की ओर खींच ले जाता है। तो ये जो बाहर की ओर खींच ले जाता है इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी की वजह से यहाँ पे हमें अर्थ के दोनों ओर हाई टाइड्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर लो टाइड्स, ठीक है। और दूसरा केस होता है नीप टाइड्स का, जिसमें क्या है, दोनों परपेंडिकुलर पोजिशन में है, सन और मून। तो इस केस में यहाँ पर हमें इसके कंपेरेटिव में लो टाइड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टाइड्स का कॉन्सेप्ट। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात के रीजन में, ये दोनों गुजरात के रीजन्स हैं, और ये सुंदरबन वेस्ट बंगाल के रीजन में हमें यहाँ पे टाइड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कुछ लोकेशंस हैं जैसे कि अंडमान निकोबार के में भी हमें टाइड्स देखने को मिलते हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट टाइड्स आते हैं वो 15 to 16 meters ऊंचे होते हैं लगभग, और वो प्लेस है यहाँ पर कनाडा और यूएसए के बीच में, बे ऑफ फुंडी, और इंग्लैंड और वेल्स के बीच में सेवर्न एस्चुरी में। कुछ यहाँ पर है, आप चाहे तो इन्हें गूगल पे बड़े मैप में भी देख सकते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन वन फुल मून टू अ न्यू मून, एक फुल मून से एक न्यू मून के बीच में कितने डेज होते हैं? 14.75 days। क्यों? क्योंकि देखिए एक न्यू मून से अगर अनदर न्यू मून के बीच में कितने दिन का साइकिल होता है? 29.5 days का। तो एक न्यू मून से एक फुल मून के बीच में क्या साइकिल होगा? उसका हाफ, यानी 14.75 days। ओके, तो अब इस हमारे इस वीडियो का जो स्पेशल चीज़ थी वो ये है कि लर्न ई स्पॉट की टीम एक क्विज ऑर्गेनाइज़ कर रही है लर्न ई स्पॉट के टेलीग्राम चैनल पे, लर्न ई स्पॉट डिस्कशन ग्रुप। तो इसे आप ज्वाइन करिए और इसमें अलग अलग क्विज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। आप जीत सकते हैं ₹51 per week। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।